नमस्कार। महामारी का रूप ले चुकी कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना गंभीर है, इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि संदिग्ध की पुष्टि खुद डॉक्टर करते हैं और वही उसे रात को घर जाने के लिए छोड़ देते हैं, जो कि सुबह तक पूरे नगर में घूमते हुए देखा गया है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी को लेकर कितना गंभीर है। SSC ब्यूरो चीफ ने जब वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरी घटना से अवगत कराया, तब जाकर सुबह 11 बजे एम्बुलेंस भेजी गई। और आश्चर्य की बात यह है कि एम्बुलेंस में स्वास्थ्य विभाग का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। अब सभी की नज़र संदिग्ध की मेडिकल रिपोर्ट पर टिकी है। राजगढ़ के माचलपुर से जिला ब्यूरो चीफ प्रदीप बंसल की विशेष रिपोर्ट। आने वाले जवाबदारी है, मेरी गाड़ी रोज राजगढ़ से आती है, तुम अगर ठीक ठाक निकलोगे तो मैं मेरी गाड़ी से वापस ले यार। मेरी गाड़ी रोज आती है, वहीं से आ रही है राजगढ़ से। अच्छा, ये जो लिखा था डॉक्टर साहब, ये सब है ना, सर आज जो मरीज मिला वो किस बीमारी से ग्रसित था? जो आज मरीज मैंने देखा था तो उसमें जो कोरोना वायरस में जो सिम्टम रहते हैं वो सिम्टम लगभग मिल रहे थे, और उसको जो परेशानी थी और पुरानी हिस्ट्री थी उसकी, राजस्थान में 3-4 दिन ट्रैवलिंग किया है उसने, बस स्टैंड पर टिकट भी खरीदी मैंने हिस्ट्री ली उससे, तो भीड़ भाड़ में वहाँ पर रहा है उस साथ में, तो मुझे सस्पेक्टेड लगा है कि ऐसे सिम्टम हो सकता है, इसलिए पुलिस को राजगढ़ रेफर करने की प्लान कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए BMO सर को भी बता चुका हूँ और तहसीलदार साहब को भी बता चुका हूँ। उसके बाद देखो भेजने की प्रक्रिया चल रही है, अभी गाड़ी के लिए बात हुई तो अभी गाड़ी तो आई नहीं है। सर 108 पे आपने संपर्क करा? 108 पे मैंने संपर्क किया था तो 108 वाले बोल रहे थे कि सस्पेक्टेड कोरोना वायरस के लिए 108 नहीं आती है, उसके लिए अलग गाड़ी आती है, तो अभी उन्होंने तो फिलहाल मना कर दिया है। सर आपने इसकी जानकारी CHO सर को दी क्या? CHO सर से मेरी बात नहीं हुई है, BMO साहब और ना तहसीलदार साहब को दे दी।